नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब तो वहां जाने के लिए मन विकल उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रूठे हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें नहीं बुलाया। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को बोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, माता और बहनों से मिलने को वैवता और अपना प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपास का भाव था। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को संताप हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा था। दक्ष ने उनके पति शंकर जी के प्रति कुछ आपत्तिजनक, कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्हें लगा, भगवान शंकर की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यह मेरे पति शंकर का अपमान है और माँ सती यह अपमान सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान उस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमावती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमावती स्वरूप में देवताओं का गौरव भंजन किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं और भी हमारी नौ की नौ देवियों की वीडियो देखना, उनकी कथा सुनना, तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रिंग वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम समय समय पर आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलियो माँ सच्चे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों।